मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ से मैं आपको ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में कुछ अपडेट बताना चाहता हूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि परिणाम जारी कब होगा, किस बेस पर परिणाम जारी होगा, कब तक जारी होगा परिणाम। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस भर्ती का परिणाम होली के बाद ही संभव हो पा रहा है। इस भर्ती में इतना समय लगने का मेन रीजन ये है, कार्मिक विभाग से लगातार बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष साहब लगातार मार्गदर्शन मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जो पटवार भर्ती में नॉर्मलाइजेशन किया था तो वह भर्ती का मामला कोर्ट में पहुंच गया था। तो इस इन तरह की इस प्रकार की कई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के चेयरमैन महोदय और सचिव महोदय लगातार कार्य विभाग से सलाह लेने के बाद, विधि विभाग से एवं कार्य विभाग से सलाह लेने के बाद ये फाइनल निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और इनका मेन उद्देश्य यही है कि भर्ती में किसी तरीके का लिटिगेशन ना पैदा हो, तो इसके लिए इस भर्ती में थोड़ा समय लग रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में मिनिमम 85 मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है, साथ ही नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पटवार बड़ी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन बड़ा मुद्दा, नॉर्मलाइजेशन पर रोक लगाकर ज्यादा से ज्यादा इष्टतम स्तर तक के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में भाग या मौका देने के लिए बोर्ड सकारात्मक है और यह मिनिमम 500 मार्क वाले अभ्यर्थियों को मौका देने पर सहमत हो रहा है। साथ ही इस भर्ती का परिणाम मैंने आपको बता दिया।